और आज हम फिर से एक हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इसमें कुछ बहुत ही शुद्ध हिंदी वर्ड्स का भी यूज किया गया है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इस सेंटेंस में कोई एक एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस में तो यानी वो कैसा सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका सब्जेक्ट नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा। और नॉन डूअर सब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम कैसे पता करते हैं, क्या लगा के, जब हम क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें नॉन डूअर सब्जेक्ट पता चल जाता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या विचित्र है, आंसर मिला भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक बनावट की अंग्रेजी लिखेंगे, द नेचुरल स्ट्रक्चर। प्राकृतिक बनावट का मतलब है द नेचुरल स्ट्रक्चर। अब भारतवर्ष की यानी कि ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट, ये इतना हमारा सब्जेक्ट था फ्रेंड। तो इसकी अंग्रेजी हो गई द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट। इसके आगे बड़ी ही विचित्र है, कैसी है, बड़ी ही विचित्र है। तो है के लिए यहाँ पे इस का यूज करेंगे, इस वेरी विचित्र के लिए हम यूनिक, यूनिक या फिर वंडरफुल। तो ये हमारा सेंटेंस, पहला सेंटेंस बन गया, द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक, अर्थात भारतवर्ष की प्राकृतिक बनावट बड़ी ही विचित्र है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकिरीट है। तो हिमकिरीट का मतलब हिमालय से है और हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकिरीट है। तो इसमें हिमकिरीट के होने की बात हुई और हमने बताया है कि जब भी दे यूज ऑफ देयर में मैंने बताया है फ्रेंड्स कि जब भी किसी एक नाउन के होने या ना होने की बात होती है, उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है, तो हम सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं। यानी हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकिरीट है तो देयर इज, और हिमकिरीट को हिमालयाज कहते हैं क्योंकि क्लियर में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज करेंगे फ्रेंड। हिमालयाज हमेशा लिखा जाता है प्लूरल में, तो देयर आर हिमालयाज, देयर आर हिमालयाज, यानी कि हिमकिरीट है, ये इसकी अंग्रेजी हो गई देयर आर हिमालयाज। और कहाँ पर है, हमारी मातृभूमि के सिर पर, तो मैंने सिर पर के लिए ऑन द हेड ऑफ, ऑन द हेड यानी कि सिर पर, और किसके सिर पर, हमारी मातृभूमि के, तो ऑफ आवर मदरलैंड। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड्स कि हमारी मातृभूमि के सिर पर हिमकिरीट है। यहां भी, यहां पे हिमकिरीट के होने की बात हुई इसलिए हमने देयर का यूज किया, देयर आर हिमालयाज ऑन द हेड ऑफ आवर मदरलैंड। अब इसके आगे फ्रेंड्स, अंगों पर जंगलों के हरे वस्त्र हैं, तो यहां भी हरे वस्त्र के होने की बात हुई एंड, और इस सेंटेंस में एक बार देयर का यूज कर दिया गया है तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं हरे वस्त्र की अंग्रेजी एंड ग्रीन गार्मेंट, एंड ग्रीन गार्मेंट, एंड ग्रीन गार्मेंट्स, और हरे वस्त्र हैं किसके, घने जंगलों के, ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के, ऑफ डेंस फॉरेस्ट, और किसके अंग, कहां पर है, अंगों पर, कहां पर है, अंगों पर, यानी कि ऑन इट्स, ऑन इट्स अंगों की अंग्रेजी में लिखेंगे बॉडी पार्ट्स, ऑन इट्स बॉडी पार्ट्स, इसके अंगों पर। तो ये हमारा सेंटेंस था फ्रेंड कि अंगों पर जंगलों के हरे वस्त्र हैं। तो ये इस सेंटेंस को मैंने इसके पिछले सेंटेंस में ऐड कर दिया एंड लगा के, तो एंड ग्रीन गार्मेंट्स, और हरे वस्त्र हैं ऑफ डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों के, ऑन इट्स बॉडी पार्ट्स इसके अंगों पर। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु गंगा यमुना नर्मदा कावेरी गोदावरी आदि असंख्य नदियां इसकी गोद में खेल रही हैं। तो क्या खेल, कौन खेल रही है, तो हमारा आंसर मिला असंख्य नदियां। क्या खेल रही है, असंख्य नदियां, तो हमारा सब्जेक्ट है असंख्य नदियां यानी कि द न्यूमरस रिवर्स। यहां पे हम लाइक का यूज करके और इन सभी नदियों को यहां पे ऐड कर देंगे, द न्यूमरस रिवर्स लाइक, अब
सबसे पहले है सिंधु, सिंधु को हम इंग्लिश में इंडस कहते हैं, और जहां कहीं भी नदियों का नाम आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द इंडस कॉमा लगा देंगे, गंगा यमुना, द गंगा फिर कॉमा लगा के द यमुना, नर्मदा वो लिखेंगे द नर्मदा, कावेरी द कावेरी, गोदावरी द गोदावरी, तो ये इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। द न्यूमरस रिवर्स लाइक द इंडस, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी, द गोदावरी, और गोदावरी के बाद हम आदि के लिए यहाँ पे एक्सेट्रा का यूज करेंगे, जिसको शॉर्ट कट में ईटीसी भी लिखते हैं। अब इसके बाद ही फ्रेंड्स, गोद में खेल रही है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, एसएमआर का यूज करना है तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आर का यूज करेंगे। आर प्लेइंग यानी खेल रही है आर प्लेइंग। अब कहाँ खेल रही है, इसकी गोद में, इन इट्स लैप, इसकी गोद में, इन इट्स लैप। तो ये हमारा सेंटेंस था फ्रेंड्स कि सिंधु, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि असंख्य नदियां इसकी गोद में खेल रही हैं। तो सबसे पहले हमने असंख्य नदियां की अंग्रेजी लिखी, द न्यूमरस रिवर्स, और इसके बाद लाइक का यूज करके हमने सभी नदियों के नाम को ऐड कर दिया, लाइक द इंडस, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी, द गोदावरी एक्सेट्रा। अब इसकी गोद में खेल रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूप से आर प्लेइंग इन इट्स लैप। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, सोने की लंका इसके चरण प्रदेश में कमल की भांति चिर प्रस्फुटित है, और चिर प्रस्फुटित यहाँ पे देखा है तो एकदम शुद्ध हिंदी वर्ड का यूज किया गया है। चिर का मतलब है फ्रेंड्स एक लंबे समय से, और प्रस्फुटित का मतलब है स्थित है। तो क्या स्थित है, सोने की लंका की अंग्रेजी हो जाएगी द गोल्डन लंका, सोने की लंका, द गोल्डन लंका। अब चिर प्रस्फुटित है यानी कि एक लंबे समय से स्थित है, तो इज सिचुएटेड, हमें इसका सेंस निकालना होता है फ्रेंड्स, केवल शब्दों पे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका हमें इंग्लिश नहीं पता है तो हम उसका सेंस निकाल सकते हैं कि आखिर इसके स्थान पे हम और क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जिसका सेम अर्थ हो, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड। तो चिर प्रस्फुटित का मतलब है लंबे समय से स्थित है, इसलिए इज सिचुएटेड स्थित है लंबे समय से, फॉर लॉन्ग। अब कहां स्थित है, इसके चरण प्रदेश में, और किसकी भांति, कमल की भांति, तो पहले कमल की भांति के लिए यहां पे लिखेंगे लाइक अ लोटस, कमल की भांति लाइक अ लोटस, और कहां स्थित है, इसके चरण प्रदेश में यानी कि एट द फूट, चरण प्रदेश कमल के चरणों में, तो एट द फूट ऑफ इट, इसके के लिए इट का यूज कर देंगे, एट द फूट ऑफ इट, इसके चरणों में चिर प्रस्फुटित है। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड कि सोने की लंका इसके चरण प्रदेश में कमल की भांति चिर प्रस्फुटित है, तो सब्जेक्ट है सोने की लंका, द गोल्डन लंका। चिर प्रस्फुटित है का मतलब एक लंबे समय से स्थित है, तो इज सिचुएटेड फॉर लॉन्ग, और किसकी तरह स्थित है, एक कमल की तरह, तो लाइक अ लोटस, और कहां स्थित है, एट द फुट ऑफ इट यानी इसके चरण प्रदेश में। अब नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, उत्तर में पर्वतराज हिमालय पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाए हमें अभय दान दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर में के लिए, उत्तर में इन द नॉर्थ, और दिशाओं के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है फ्रेंड्स। तो इन द नॉर्थ यानी उत्तर में पर्वतराज हिमालय यानी कि द हिमालय, इसका सब्जेक्ट है द हिमालय, क्या कर रहा है, अभय दान दे रहा है यानी कि हमें डर से मुक्त कर रहा है। तो हमें अभय दान दे रहा है का मतलब है फ्रेंड्स कि हमें भय से मुक्त कर रहा है,
फियरलेस कर रहा है। तो यहाँ पे रहा है आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज मेकिंग हमें भयमुक्त कर रहा है, इज मेकिंग अस क्या कर रहा है, अभय भयमुक्त, अभयदान का मतलब भयमुक्त करना, तो इसलिए मेकिंग अस फियरलेस। तो इन द नॉर्थ यानी कि उत्तर में द हिमालय इज मेकिंग अस फियरलेस, हिमालय हमें अभयदान दे रहा है। और कैसे अभयदान दे रहा है, पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाए। तो कैसे लगाने पर जो आंसर मिलता है उसको हम बाई प्लस वर्ब में आईएनजी से जोड़ देते हैं, तो बाई लगा के हमें वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, और वर्ब क्या है, फैलाए, अपनी दोनों बाहें फैलाए। तो फैलाना में जो है, फैलाना की अंग्रेजी में आईएनजी, बाय स्प्रेडिंग। अब अपनी दोनों बाहें यानी कि बोथ ऑफ इट्स, अपनी के लिए इट्स का यूज, बोथ ऑफ इट्स आर्म्स, अपनी दोनों बाहें फैलाए। अब किसकी ओर फैलाए, पूर्व और पश्चिम की ओर, की ओर की अंग्रेजी होती है टूवर्ड्स द ईस्ट, एंड पश्चिम की ओर द वेस्ट। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड्स कि उत्तर में पर्वत राज हिमालय पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाए, हमें अभयदान दे रहा है। तो हमने इसको ट्रांसलेट किया कि इन द नॉर्थ यानी कि उत्तर में पर्वत राज हिमालय, द हिमालय, आप चाहे तो यहाँ पे दो कॉमा के बीच में द किंग ऑफ माउंटेन्स भी कर सकते हैं, हिमालय के बाद पर्वत राज के लिए द हिमालय, फिर कॉमा लगा के द किंग ऑफ माउंटेन्स, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। द हिमालय इज मेकिंग अस फियरलेस, अर्थात हिमालय हमें अभयदान दे रहा है, हमें भयमुक्त बना रहा है, बाय स्प्रेडिंग, फैलाकर बोथ ऑफ इट्स आर्म्स, अपनी दोनों बाहें, टूवर्ड्स, यहाँ पे एस का यूज होता है, टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम की ओर। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं ये लास्ट सेंटेंस इस पैसेज का, और ये पूरा एक ही सेंटेंस है फ्रेंड्स, देखते हैं। बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, विशाल नदियां, हरे भरे चारागाह, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, घने जंगल, दिन में चिलचिलाती धूप तो रात की शीतल चांदनी, इन सब ने भारतवर्ष को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्टिंग से इंग्लिश लिखना, क्योंकि ये सब पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है कि चांदनी तक, शीतल चांदनी तक, इतना हमारा पूरा सब्जेक्ट है फ्रेंड। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, तो बर्फ से ढकी के लिए हो जाएगा द स्नो कवर्ड, और पर्वतमालाएं की अंग्रेजी होती है माउंटेन रेंजेस। तो बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं इसकी अंग्रेजी हो गई द स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस, और विशाल नदियां यानी कि द ह्यूज एंड विशाल की अंग्रेजी ह्यूज होती है या लार्ज होता है, द ह्यूज एंड लॉन्ग रिवर्स, रिवर के लिए वैसे लॉन्ग वर्ड ही ज्यादा सुटेबल होता है फ्रेंड्स। तो द ह्यूज एंड लॉन्ग रिवर्स यानी कि विशाल नदियां, हरे भरे चारागाह यानी कि ग्रीन मीडोज, हरे भरे चारागाह की अंग्रेजी होती है ग्रीन मीडोज। और इसके बाद फ्रेंड्स बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, जैसे यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ पर्वत है तो स्नो कवर्ड माउंटेन हो गया, वैसे यहाँ पे बालू से ढका हुआ रेगिस्तान तो हम कह सकते हैं कि सैंड कवर्ड डेजर्ट, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, इसके लिए लिखेंगे सैंड कवर्ड डेजर्ट, बालू की चादर ओढ़े रेगिस्तान, घने जंगल के लिए डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, दिन में चिलचिलाती धूप, चिलचिलाती धूप की अंग्रेजी होती है द स्कॉर्चिंग सन,
द स्कॉर्चिंग सन ऑफ द डे, दिन की, ऑफ द डे, तो रात की शीतल चांदनी एंड शीतल चांदनी दैट मीन्स एंड द कूल लाइट, शीतल का मतलब ठंडा होता है, इसके लिए कूल का यूज करेंगे, एंड द कूल लाइट ऑफ द मून, चांदनी का मतलब लाइट ऑफ द मून, लाइट ऑफ द मून, और रात में दैट मीन्स इन द नाइट। अब इन सब ने भारतवर्ष को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है। तो हैव बना दिया है, हैव मेड, बना दिया है, हैव मेड, और किससे बना दिया है, इससे बना दिया है, हैव मेड इट, इसे बना दिया है, इसे का मतलब भारतवर्ष को, हैव मेड इट, इसे बना दिया है, क्या बना दिया है, श्रेष्ठ लीला निकेतन का मतलब है एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे आश्चर्य होते हैं। तो प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन की अंग्रेजी हो जाएगी द प्लेस ऑफ, द प्लेस ऑफ ग्रेट वंडर्स, द प्लेस ऑफ ग्रेट वंडर्स, प्रकृति की ऑफ द नेचर, ऑफ द नेचर। तो श्रेष्ठ लीला निकेतन का मतलब था आश्चर्य का स्थान, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे अद्भुत चीजें हों, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया द प्लेस ऑफ ग्रेट वंडर्स ऑफ द नेचर यानी प्रकृति का। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस था फ्रेंड्स कि बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, जिसके अंग्रेजी होगी द स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस, विशाल नदियां द ह्यूज एंड लॉन्ग रिवर्स, हरे भरे चारागाह यानी कि ग्रीन मीडोज, और बालू की चादर उड़े रेगिस्तान यानी कि द सैंड कवर्ड डेजर्ट, घने जंगल डेंस फॉरेस्ट, दिन में चिलचिलाती धूप द स्कॉर्चिंग सन ऑफ द डे, तो रात की शीतल चांदनी एंड द कूल लाइट ऑफ द मून, ऑफ द मून, इन सब ने भारतवर्ष को प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन बना दिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है, हैव मेड इट, इसे बना दिया है, द प्लेस ऑफ ग्रेट वंडर्स ऑफ द नेचर यानी कि प्रकृति का श्रेष्ठ लीला निकेतन। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये पैसेज थोड़ा टफ था, और अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thanks for watching.